गौरव भाटिया जी, देखिए तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप एक ही है और वो आरोप है कि जो आपका पटका पहन लेता है उसको तो एजेंसियां माफ कर देती हैं, सारे मामले उन पर बंद कर दिए जाते हैं और जो जो नहीं मानते हैं आपकी बात उनको आप लोग एजेंसियों के जरिए पटक देते हैं। जवाब दीजिए। अनिला जी नमस्कार। देखिए, इस तरह की उलूल जुलूल की बातें करने से, बिना तथ्यों के बात करने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि मैं तो कुछ सवाल पूछूंगा और आप भी पूछिएगा इनसे, क्योंकि वो बड़े ज़रूरी हैं। आपको याद होगा कि किसी की ज़मीन हड़प के नौकरी देने का ये घोटाला हमने चर्चा भी करी थी, तारीख थी करीब 24 अगस्त 2022। तो अगर आप देखें तो 6 महीने का समय राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती को मिला। अगर ये राजनीतिक द्वेष से मामला किया गया है तो कोर्ट जाते और ये पूरी FIR को निरस्त करा देते। नहीं कराया, क्यों नहीं कराया आपको मालूम है? ये जानते हैं कि घोटाला किया है, किसी नौजवान से इन्होंने जमीन हड़पी है, उसके बाद नौकरी दी है, बिना इश्तिहार के नौकरी दे दी और उसके बाद कोर्ट नहीं गए और आज यहाँ कह रहे हैं CBI और ED राजनीतिक द्वेष भावना से कार्य कर रही है। दूसरी बात, मुझे तो बड़ा विचित्र लगा, आपने अभी जिक्र किया कि एक चिट्ठी लिखी गई है कि CBI ED का दुरुपयोग होता है और तथ्यों से मैं बताऊंगा दुरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है। लेकिन अभी एक प्रश्न ये है, उस चिट्ठी में नीतीश कुमार के हस्ताक्षर नहीं दिखाई दिए मुझे, मुझे कांग्रेस पार्टी के भी हस्ताक्षर नहीं दिखाई दिए, बाकी सब तो जाने दीजिए। आज जब पूछताछ चल रही थी, नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल देखिए, अपना महिमा मंडन तो कर रहे हैं, एक ट्वीट उनसे नहीं हुआ, ना उनकी पार्टी से हुआ। ये क्या दर्शाता है? नीतीश कुमार भी अंदर से जानते हैं कि ये घोटाला हुआ है और इसीलिए वो इसका समर्थन बाहर आके नहीं कर रहे हैं। एक बात मैं और उठा दूं, आप ये बताइए, मनीष सिसोदिया पे भी आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, 3 बार CBI कोर्ट ने आदेश दिया, क्या उनको बेल मिली? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी यहां बैठी है, इनसे भी एक सवाल दाग दीजिएगा, इनके जो दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, उनका तो ट्वीट है और वो ट्वीट में कहते हैं कि मैं स्वागत करता हूं कि कार्रवाई हुई है। ये देखिए मेरे हाथ में है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने किया स्वागत, अनिल चौधरी। अब आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी जब इन पे कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी कहती है ठीक हुआ, जब आम आदमी पार्टी के स्पा मसाज मंत्री पकड़े जाते हैं तो कहती है ठीक है, जब शराब मंत्री पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ठीक है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ये सब भ्रष्ट है और जो कार्रवाई हो रही है वो न्याय संगत और उचित हो रही है। ठीक है, मैं आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्टैंड है? अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो एजेंसियों की, तब तो वो सियासी रंजिश है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो तो वो सही है, तब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध है। अंजना जी, इस चर्चा के दो हिस्से हैं। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने सत्ता का कमल खिलाने के लिए समूचे देश के प्रतिपक्षी दलों पर ये लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए इंद्रधनुषी रंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके पाक साफ कर लेते हैं। जुलाई 2015 में इन्होंने किताब निकाली थी, इन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा, अमेरिकी सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भ्रष्ट है। 2014 में 14 स्थानों पर छापे मारे, लेकिन आज हेमंत बिस्वा शर्मा पाक साफ होकर मुख्यमंत्री हो गए इनके। इन्होंने कहा कि भाग मुकुल भाग, CBI आ रही, पार्टी में शामिल करा लिया, सब कुछ शांत हो गया। शुभेंदु अधिकारी को शामिल करा लिया, नारायण राणे आदर्श घोटाले में शामिल, बताते थे कि आकंठ पाप में डूबे, अब सबसे आदर्श नेता इनके हैं। भावना गवली MPA शिंदे सेना की, 5 बार ईडी ने समन भेजा, कब? जब वो उद्धव ठाकरे जी की सेना में थी, अब राहत की सांस महसूस कर रही। यशवंत जाधव और MLA यामिनी जाधव, ईडी जांच फेमा का गंभीर मामला, ईडी ने बताया कि फेमा का गंभीर मामला है, अब वो
शिंदे सेना में शामिल है, आर्चरण की सांस ले रही। प्रताप सरनाइक, ईडी ने रेड किया और ईडी ने ट्वीट किया बाकायदा कि 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने इनकी जब्त की है मार्च के महीने में। सितंबर आते आते ईओडब्ल्यू उसका क्लोजर फाइल कर देता है। येदुरप्पा को देख लीजिए, जितने आकंठ पाप में डूबे हुए हैं सबको गले लगाते हैं और पाप मुक्त करते जाते हैं। सुनिए ना मेरी बात। अब आप देखिए, सबसे पहले 2015 में वीरभद्र जी की बेटी की शादी थी, बारात दरवाजे पर खड़ी थी, संकट मोचन हनुमान मंदिर में फेरे लिए जा रहे थे। और मोदी जी की सीबीआई, हम तो दुश्मनों के घर भी अगर बिटिया की शादी हो तो उसका सहयोग करने पहुंचते, सीबीआई पहुंची, पूरे घर को अस्त व्यस्त इन लोगों ने कर दिया। उसके बाद स्टालिन, 2 अप्रैल 2021 को उनके यहां छापा पड़ता है क्योंकि 6 अप्रैल को चुनाव थे। लालू यादव जी से प्रतिशोध की आग में इसलिए जल रहे हैं क्योंकि प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीत कराया, उसके बाद बिहार का चुनाव हार गए। अभी जब फिर से जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार बनाई अगस्त के महीने में, उसके बाद फिर 40 ठिकानों पर इन लोगों ने छापे मारे, एक के बाद एक प्रतिपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रहे। आपने जो आप पार्टी का प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब सिर्फ 10 सेकंड में देना चाहता हूं अंजना जी। हमको इसलिए उम्मीद थी कि शुचिता की राजनीति का वादा करके आए, तो कहा था आंतरिक लोकपाल होगा, आरोप लगेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। 5 सवाल सिर्फ छोटे से मेरे हैं, क्या इन्होंने एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्टर की वापिस 30 करोड़ रुपए की एमडी वापिस नहीं लौटाई जो कानून का उल्लंघन था? क्या इन्होंने रूल्स को चेंज नहीं किया टेंडर जारी करने के बाद और 50 रुपए इंपोर्ट पास फीस कम करी, जो अभी सुप्रिया जी कह रही थी ना, फरवरी के महीने में आपको जानकर आश्चर्य होगा 13.2 मिलियन लीटर शराब जो पिछले वर्ष बिकी थी उस समय 24.5 मिलियन लीटर शराब बेची, मतलब 2 गुना से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ा दिया। इन्होंने बगैर टाइम का एक्सटेंशन दिया, टेंडर डॉक्यूमेंट में जो फीस थी उसकी वृद्धि की, तो मतलब गंभीर आरोप है। इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दे।